दोस्तों सावधान, ये वीडियो उन सनातनी भाइयों के लिए है जिनकी आंखें तो खुली है लेकिन वो सो रहे हैं। जी हाँ, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म बन रहा है। साल 2070 तक इस्लाम मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटास कहते हैं। इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, चाहे आप इस बात को माने या नहीं माने। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का ट्रेंड यही रहा तो 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आप सभी मिलकर इसको रोक सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, एक मजबूत सरकार बनाकर, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर, एक ऐसी सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर आए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस्लाम का फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जनसंख्या पर कोई नियंत्रण हमारे देश में नहीं है। अगर आप किसी मुस्लिम परिवार को जानते हैं तो उन्हें जाकर नजदीक से देख सकते हैं, वो नसबंदी या परिवार नियोजन अपनाते ही नहीं। वो कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो हम इसे रोकने वाले कौन होते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक कारण आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्रूर आक्रांताओं ने डरा धमका कर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, किसी को लालच देकर तो किसी को डरा धमका कर। जो कमजोर थे उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और आज वो मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। कभी इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक फैले थे लगभग 8 हिंदू देश, लेकिन धीरे धीरे उनका इस्लामीकरण हो गया और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस इस्लामीकरण के बारे में। एक जमाना था जब भारत से निकलकर हिंदू धर्म दक्षिण एशियाई देशों में फैलने लगा था। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक हिंदू प्रभाव बढ़ने लगा था। वो समय भारत में पल्लव राजाओं का था। चौथी सदी से लेकर नौवीं सदी के बीच कई दक्षिण एशियाई देशों में हिंदू धर्म की स्थापना हुई और उसका असर देखा गया। कई देशों में राजाओं से लेकर प्रजा तक हिंदू धर्म को अपनाने लगी थी। दसवीं सदी के बाद हालात इतने बदलने लगे कि फिर इनमें से ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री में बदल गए। 15वीं शताब्दी से पहले मलेशिया के निवासी या तो हिंदू बौद्ध थे या स्वदेशी धर्म का पालन करते थे। लगभग 1700 साल पहले भारत के साथ व्यापार के माध्यम से हिंदू धर्म मलेशिया में फैल गया था। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मलेशिया में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ था। लंकासुका का प्राचीन हिंदू बौद्ध साम्राज्य मलय प्रायद्वीप में स्थित था। यह नाम मूल रूप से संस्कृत है। आज मलेशिया की 9% आबादी तमिल है, उनमें से अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है। दोस्तों, आखिर कैसे इंडोनेशिया हो गया हिंदू से इस्लामिक देश? इस्लाम के आगमन से पहले इंडोनेशिया में हिंदू धर्म प्रमुख था। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म पहली शताब्दी में भारतीय व्यापारियों, विद्वानों, पुजारियों और नाविकों के माध्यम से पहुंचा था। 7वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हिंदू बौद्ध साम्राज्यों ने उस क्षेत्र में अधिकांश भाग पर शासन किया जो अब इंडोनेशिया है। हिंदू धर्म का शैव संप्रदाय 5वीं शताब्दी ईस्वी में जावा में विकसित हुआ। 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जावा, सुमात्रा और कालीमंतन में कई महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य स्थापित हुए। द्वीप समूह का अंतिम प्रमुख साम्राज्य महापजित, जो 1293 से 1500 में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जीववादी मान्यताओं का मिश्रण था। हिंदू धर्म आज भी इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में एक है। इंडोनेशिया 500,000 से अधिक हिंदू निवासियों और नागरिकों वाले देश में से एक है। बाली में 87% हिंदू है। लेकिन अब इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी में से 86% मुस्लिम है। लगभग 1.75% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक हैं। माना जाता है कि यहाँ 90% हिंदू ही रहते हैं। जी हाँ,
द्वीप का नाम है बाली। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म औपचारिक रूप से आगमा हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। इस धर्म में जाति व्यवस्था लागू नहीं की गई है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया की बड़ी आबादी कभी भगवान शिव की भक्त थी। कंबोडिया एक ऐसा देश था जहाँ एक जमाने में भगवान शिव की पूजा करने वालों की बहुलता थी। कंबोडिया में हिंदू धर्म 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच फनान साम्राज्य के दौरान खूब फला फूला। तब राजा और प्रजा आमूमन हिंदू ही थे। सभी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते थे। कंबोडिया का जन्म ही एक समय में बहुत शक्तिशाली रहे हिंदू एवं बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंदुस्तान और चीन क्षेत्र पर शासन किया। तब कंबोडिया की धार्मिक संस्कृति शैव प्रधान थी, यानी वो भगवान शिव की पूजा करते थे। ये स्थिति 15वीं सदी तक बनी रही। इसके बाद ये देश बौद्ध प्रधान हो गया। आज कंबोडिया में लगभग 97% आबादी थरवाड़ा बौद्ध धर्म का पालन करती है। तो आइए बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो कि आज एक मुस्लिम राष्ट्र है। अफगानिस्तान में राज करते थे हिंदू राजा। ये बात जानकर आपको हैरानी हो रही होगी। अफगानिस्तान 6वीं सदी तक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। 11वीं सदी में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, मस्जिदों में बदल दिया गया था। कल्लार, सामंत देव, अष्टपाल, भीम, जयपाल, आनंदपाल, भीमपाल, त्रिलोचनपाल अफगानिस्तान के प्रमुख हिंदू राजाओं के नाम हैं। अब अफगानिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 1000 के आसपास सिमट चुकी है। अफगानिस्तान में इस्लाम 99% से ज्यादा नागरिकों का धर्म है। लगभग 90% आबादी सुन्नी इस्लाम को मानने वाली है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये पहले लगभग हिंदू राष्ट्र था, जो कि अब मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। अगर बात थाईलैंड की करें तो बहुत से लोग मानते हैं कि थाईलैंड भी कभी हिंदू बहुल आबादी वाला देश था, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। थाईलैंड कभी बहुसंख्यक हिंदू वाला देश नहीं रहा, लेकिन वहाँ हमेशा हिंदू धर्म का प्रभाव जरूर रहा। वहाँ हिंदू धर्म एक अल्पसंख्यक धर्म है। लगभग 84,400 हिंदू वहाँ रहते हैं, लेकिन थाईलैंड में मजबूत हिंदू प्रभाव देखने को हमेशा से मिला है। अलबत्ता ये देश बौद्ध धर्म मेजोरिटी वाला देश है। अगर बात वियतनाम की जाए तो वियतनाम को भी कभी उन देशों में माना जाता था जिसे प्राचीन काल के ग्रेटर इंडिया के तहत देखा जाता था। हालांकि ये देश कभी भी हिंदू बहुल नहीं रहा, लेकिन इसका असर वहाँ जरूर रहा। अभी भी वहाँ करीब 70,000 चाम हिंदू रहते हैं। वियतनाम में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म और देसी धर्म को मानते हैं। देसी धर्म में स्थानीय आत्माओं, देवताओं और देवी माँ की पूजा होती है। ये लगभग सनातन के जैसा ही है। ये देसी धर्म हिंदू धर्म जैसा लगता है। अगर बात फिलीपींस की जाए तो दोस्तों, हिंदू प्रभाव वहाँ भी देखने को मिला था। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, उनके क्रूर आक्रांताओं ने धर्म परिवर्तन कराया और वहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अगर बात मालदीव की जाए तो 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। आज की डेट में वहाँ पर इस्लाम फैल रहा है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, बौद्ध धर्म के आगमन से पहले श्रीलंका में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार शायद तमिलों के दक्षिण भारत से श्रीलंका में प्रवास के कारण हुआ था। चोला साम्राज्य के दक्षिण भारतीय तमिलों के शासन ने श्रीलंका में हिंदू धर्म को समृद्ध होने का मौका दिया था। श्रीलंका में एक समय में हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत लगभग 21% था, जो 1921 में 25% के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अब ये घटकर 2012 में 12% हो गया है। हालांकि इसके कई कारण बताए जाते हैं, और सबसे बड़ा कारण यही है
कि वहाँ मुस्लिम लोग आते हैं और घुसपैठ करते हैं, धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे कब्जा करते जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि अगर हमारे देश को बचाना है तो एक मजबूत सरकार की जरूरत है। वोटिंग का समय चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है, आपको एक मजबूत सरकार बनानी है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर आए और हमारे देश को बचाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो का संदेश आप तक पहुंच चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।